Hello students, I'm Ruchika from English Academy. In today's session, we'll study class 12 English Flamingo Book Chapter 6, Poets and Pancakes, written by Ashoka Mitran. This is part 3 of the lesson. Here we'll cover pages 64 to 66. So let's have a brief recap, and if you want to know the story in detail, please watch part 1 and 2 of the chapters. Now, this chapter is an excerpt from a book titled My Years with the Boss, written by Ashoka Mitran. और उसमें उन्होंने अपने Gemini Studios के owner SS Vasan के साथ relationship के बारे में हमें बताया है. So, Poets and Pancakes. He tells us about pancakes, which is a makeup which is used in lots of quantity in the Gemini Studios. Gemini Studios कहाँ पर located है? On the first floor of the building, which was Robert Clive's stables. एंड रॉबर्ट क्लाइव के बारे में वो बताते हैं कि वो मेड्रास में रहे थे, उनकी बहुत सारी रेजिडेंसेस थी वहां पर. फिर हमारे राइटर हमें बताते हैं कि किस तरह से जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप रूम में नेशनल इंटीग्रेशन देखने को मिलती है. एंड देन ही टेल्स अस अबाउट दी हायरार्की दैट इज फॉलोड ओवर देयर. एंड देन ही टेल्स अस अबाउट कोठा मंगलम सुबू हु इज अ वेरी नाइस मैन बट ही हैज एनिमीज लाइक द ऑफिस बॉय. ऑफिस बॉय इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द मेकअप ऑफ द क्राउड प्लेयर्स. द क्राउड जिस दिन क्राउड शूटिंग होती है, क्राउड का सीन होता है, तो उन सब की मेकअप कौन करता है? ऑफिस बॉय. देन ही ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द राइटिंग डिपार्टमेंट जिसके मेंबर्स थे पोएट्स, राइटर्स. देयर वाज वन लॉयर ऑल्सो हु वाज अ मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट. एंड सडनली व्हेन द डिपार्टमेंट वॉज क्लोज द लॉयर ऑल्सो लॉस्ट हिज जॉब. एंड देन अशोका मित्रन टेल्स अस अबाउट कम्युनिज्म, वॉट इज कम्युनिज्म. एंड देन वी कम टू नो अबाउट फ्रैंक बकमन्स मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी and the troop of around 200 people who visited Gemini Studios, and they also displayed two plays, Jotham Valley and the Forgotten Factor. And then again Gemini Studios pe ek phone bajta hai and another person is visiting them. He is also coming from abroad, from England. Some people say he's a poet, some people say he's an editor. And then our writer tells us that SS Vasan is also the editor of a famous Tamil magazine. And then they all don't know much about this पोएट हु इज विजिट अबाउट टू विजिट देम. जिन पोएट्स के नाम उन्होंने सुने थे वो हमें बताते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इनमें से कोई पोएट उन्हें विजिट नहीं करने आ रहा. सो एवरी वन डज नॉट नो एनी थिंग मच अबाउट हिम. एंड सम पीपल से दैट प्रोबेबली ही इज एन एडिटर, बट जो फेमस न्यूज पेपर्स हैं या फेमस जो पब्लिकेशन हैं ब्रिटिश, उनके एडिटर्स में से कोई नहीं है जो आ रहा है. सो एवरी वन इज वेरी क्लूलेस अबाउट हु इज अबाउट टू विजिट द जेमिनी स्टूडियोज. नाउ लेट अस टेक द स्टोरी अहेड फ्रॉम देयर. At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. So finally, दोपहर को almost 4 बजे के आसपास ये जो guest है, ये poet है या editor है, ये किसी को नहीं पता, ये Gemini Studios पहुंच जाता है. He was a tall man, very English, very serious and of course very unknown to all of you. So what is the description of this person? He is a tall man. He is very English, very serious. उसके expressions कैसे हैं? Very serious. And of course, unknown to all of us. So, no one knows much about him. Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out a long speech. Battling means he's trying to overcome the air that is coming from these pedestal fans. नाउ जो उनके बॉस हैं एसएस वसन, वो शूटिंग स्टेज पे खड़े हुए थे एक स्पीच देने के लिए, और उनके सामने ऑलमोस्ट 6 पंखे लगे हुए थे जो फुल स्पीड पर हवा दे रहे थे. तो इतनी ज्यादा जब हवा का फोर्स आ रहा था, ही वॉज बैटलिंग विद दैट एंड ही वॉज ट्राइंग टू गिव हिज स्पीच. इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रेशियस लिटिल अबाउट द पोएट और द एडिटर. तो उनकी स्पीच से ये पता चल रहा था कि उन्हें भी इस गेस्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता. The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. Then the poet spoke. Peppered means, जैसे हम pepper के छींटे डालते हैं, उसे spray कर देते हैं, इसी तरह से उनकी speech में भी freedom और democracy words इधर उधर छिड़के हुए थे, ऐसे ही बिखेरे हुए थे. तो जैसे कि एस एस वसन को इस गेस्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, उनकी स्पीच भी जनरल ही थी और उसमें फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे वर्ड्स इधर उधर स्प्रे किए हुए थे ताकि उनकी स्पीच थोड़ी अच्छी लगे. ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस. नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग.
ये किसके बारे में? ये उस गेस्ट के बारे में है, उस पोएट या एडिटर के बारे में है जिसने अपनी स्पीच शुरू की। डेज्ड मींस कंफ्यूज्ड। तो जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज की बात कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, बिकॉज उसका एक्सेंट यानी कि बोलने का स्टाइल, प्रोनाउंसिएशन इतनी डिफरेंट थी, इतनी मुश्किल थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट। व्हाट आर वी डूइंग? बैफलमेंट अगेन मींस कंफ्यूजन, एंड डिस्पर्स मीन्स इधर उधर बिखर जाना। जैसे आप देख रहे हैं ये जो प्लांट है इसके सीड्स कैसे हवा में बिखर रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं। तो ये जो उनकी स्पीच थी वो ऑलमोस्ट एक घंटा चली, उसके बाद पोएट वहां से चला गया और सारी ऑडियंस भी इधर उधर बिखर गई और सब बहुत कंफ्यूज थे। उनको लग रहा था कि हम कर क्या रहे हैं, बिकॉज उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? So everyone was thinking कि ये जो poet है he's so English, वो यहाँ पर क्या कर रहा है Gemini Studios में, जो simple Tamil films बनाता है वो भी simple लोगों के लिए, जो बहुत ही normal लोग हैं, masses हैं India के, उनके लिए movies बनाते हैं, तो ये इतना बढ़िया, इतना civilized, इतना English व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहा है? People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. The Gemini Studios इससे तरह के लोगों के लिए movies बनाता है जो कि English poetry के लिए एक taste develop करना afford ही नहीं कर सकते। Cultivating here means developing। ठीक है, तो जो हमारे masses हैं इंडिया के, जो अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त रहते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालते हैं एंटरटेनमेंट के लिए और एक तमिल फिल्म देख लेते हैं, वो लोग इंग्लिश की पोएट्री के लिए टेस्ट डेवलप ही नहीं कर सकते, उनके पास ना तो इतना टाइम है ना ही इंक्लिनेशन है। अब उन लोगों के लिए जो फिल्में बनाते हैं जेमिनी स्टूडियोज, उनके स्टूडियोज में इस तरह का इंसान क्या कर रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा था। द पोएट लुक प्रिटी बैफल टू, फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शियर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट। बैफल्ड अगेन यू नो कंफ्यूज्ड। Incongruity means to appear strange in a given situation. And travails means efforts. तो राइटर कहते हैं कि वो जो पोएट है जो इंग्लैंड से आया था वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसे भी ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा अजीब है इस सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन है जिस जगह पर वो प्रेजेंट है और वो अपने बारे में बातें कर रहा है, अपनी इंग्लिश पोएट्री के बारे में, क्या एफर्ट्स लगते हैं, क्या थ्रिल्स होते हैं, क्या एक्साइटमेंट फील होती है, ये सब बातें बिल्कुल रिडंडेंट है, बिल्कुल यूजलेस है इन इस ऑडियंस के सामने। हो सकता है उस पोएट को भी ऐसा ही लग रहा था। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। तो उसकी विजिट का जो रीजन है वो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, वो एक मिस्ट्री थी, बिकॉज नो वन न्यू द रीजन व्हाई ही वाज विजिटिंग जेमिनी स्टूडियोज। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, बट माय कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैनॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस। जीनियस मीन्स एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन। तो ऑथर कहते हैं कि जो बहुत ही महान राइटर्स हैं वो इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन मेरा जो बिलीफ है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है कि जो राइटिंग का काम है वो एक जीनियस व्यक्ति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इट इज फॉर द पेशेंट परसिस्टेंट परसिवियरिंग ड्रज विद अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम। ड्रज इज अ स्लेव। पेशेंट मींस जिसमें बहुत ज्यादा धैर्य है, परसिस्टेंट मींस जो कंटिन्यूसली एफर्ट करता रहता है, और परसिवियरिंग जो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। सो राइटर कहते हैं कि राइटिंग का जो काम है, प्रोफेशन है, वो एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप को एक स्लेव की तरह ट्रीट करता है, जिसमें बहुत ज्यादा धैर्य है, बार बार वो मेहनत करने के लिए तैयार है, और उसके दिल को रिजेक्शन से भी हार्ट ब्रेक नहीं होता। उसका दिल इतना छोटा हो गया, इतना श्रंकन मींस कि कोई भी चीज उसके दिल को तोड़ नहीं सकती। अगर कोई उसके काम को रिजेक्ट भी कर देता है तो भी वो हार्ट ब्रोकन नहीं होता,
वो बार बार दोबारा से एफर्ट करने लग जाता है. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. Manuscript is a handwritten document. तो राइटर क्या कहते हैं कि जो एक बढ़िया राइटर है वो क्या करता है, अगर उसे कोई रिजेक्ट कर देता है तो वो दोबारा से एक और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करने लग जाता है अपनी स्टोरी का या अपनी राइटिंग का, और उसे फिर से पोस्ट कर देता है किसी और एडिटर को उसकी व्यूज के लिए, और साथ में एक पोस्टेज स्टैम्प भी इंक्लोज करता है रिटर्न के लिए, ताकि अगर किसी ने वापस भेजनी है उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट तो वो एक स्टैम्प्ड एनवेलप भी साथ में भेजता है जिसमें डालकर वो उसकी राइटिंग को वापस भेज सकता है. तो हमारे राइटर का ये कहना है कि जो राइटिंग का प्रोफेशन है, प्रोज राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ये प्रोफेशन बहुत ही अलग टाइप के लोगों के लिए है, जो बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही धैर्य रखते हैं और उन्हें रिजेक्शन से डिसहार्टन नहीं होता. वो बार बार एफर्ट करते रहते हैं, बार बार एडिटर्स को अपनी राइटिंग की कॉपीज भेजते रहते हैं. It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. तो ऐसे ही writers के लिए The Hindu newspaper में एक छोटा सा announcement था, और वो announcement एक बहुत ही insignificant corner of an unimportant page पर था. इसका क्या मतलब है? हिंदू न्यूज़पेपर के एक ऐसे पेज पर जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं रखता, उसके एक ऐसे कॉर्नर पर जो कॉर्नर भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां पर एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट था एक राइटिंग कॉन्टेस्ट का. वो राइटिंग कॉन्टेस्ट क्या था? एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी थी, और ये कॉन्टेस्ट किसने ऑर्गेनाइज किया था? एक ब्रिटिश पीरियोडिकल है जिसका नाम है द एनकाउंटर, उन्होंने ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था. Of course, the encounter wasn't a known commodity among the Gemini literati. Literati means well-educated people who are interested in literature. Commodity means any article, any object. So the writer says, the encounter naam ki jo periodical hai, वो जेमिनी स्टूडियो के जो राइटिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके बीच में इतनी फेमस नहीं थी. आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंट अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड. नाउ आई राइटर वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट. और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से पहले वो ये मैगजीन पढ़ना चाहते थे देखने के लिए कि इसमें किस तरह के आर्टिकल्स छपते हैं. नहीं तो ऐसे ही वो जो पोस्टेज भेजते, अपना मैन्यूस्क्रिप्ट भेजते इंग्लैंड, तो उस पे उनके जो पैसे लगते वो वेस्ट हो जाते. इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिसेस टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया. फॉरबिडन एरिया मीन्स एरिया वेयर मूवमेंट इज प्रोहिबिटेड और डिसअलाउड. उन दिनों में, यानी कि जबकि ये स्टोरी लिखी गई है, उन दिनों में जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी मेड्रास में, उसका जो एंट्रेंस था वहां पे कोई लंबे लंबे साइन बोर्ड्स नहीं लगे हुए थे, नोटिसेस नहीं लगे हुए थे. ये लगे होते हैं तो इंसान को क्या लगता है कि आप छुपके से किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर एंट्री अलाउड नहीं है. लेकिन तब ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी की एंट्रेंस ऐसी नहीं होती थी. And there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers. British Council Library में the encounter की बहुत सारी copies पड़ी हुई थी in various degrees of freshness. What does this mean? कि कोई copy बहुत ही नई थी तो वो बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल fresh थी. कोई copy जो थोड़ी पुरानी थी वो थोड़ी worn out थी. तो ऐसे अलग अलग टाइम्स की, अलग अलग एडिशंस की, एनकाउंटर की किताबें वहां पर पड़ी हुई थी और वो ऑलमोस्ट अनटच्ड थी, मींस किसी ने भी उन्हें पढ़ा नहीं था. व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माय श्रंकन हार्ट. यहाँ पे राइटर अपने हार्ट को श्रंकन क्यों कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा था कि जो भी अच्छा राइटर है उसका दिल
श्रंकन होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए ताकि वो टूटे ना। तो कह रहे हैं कि उनका दिल भी ऐसा ही था क्योंकि वो भी एक राइटर थे। जब उन्होंने द एनकाउंटर के एडिटर का नाम पढ़ा तो उनके दिल में एक घंटी बजी, यानी कि उन्हें कुछ रिकलेक्ट हुआ। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई सैंग एज आई सील्ड द एनवेलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस। तो उसका एडिटर कौन था? वही विजिटर, वही पोएट जो जेमिनी स्टूडियोज आया था, हु वॉज टू इंग्लिश। तो जैसे ही राइटर ने उनका नाम पढ़ा वो बहुत खुश हो गए, उन्हें लगा कि उनको कोई बिछड़ा हुआ भाई वापस मिल गया, बिकॉज उन्होंने उसको एक बार पहले जेमिनी स्टूडियोज में देखा था। और वो इतने खुश थे कि उन्होंने गाते गाते अपना स्टोरी का मैन्यूस्क्रिप्ट एनवेलप में डाला और उसे सील करके इंग्लैंड भेज दिया। I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. तो अब राइटर थोड़े फिल्मी हो गए, उन्होंने इमेजिन किया कि जब उनका ये चिट्ठी वो पोएट को, वो राइटर को मिलेगा तो वो भी ऐसे ही खुश हो जाएगा और यही गाना वो भी गाएगा, जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं जब दोनों भाई मूवी की स्टार्टिंग में और मूवी की एंड में मिलते हैं तो वही सेम सॉन्ग चल पड़ता है। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वॉज हिज नेम। सो हु वॉज दिस इंग्लिश पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज? हिज नेम इज स्टीफन स्पेंडर। एंड years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. रिड्यूस प्राइस में जिसका प्राइस घटा दिया गया हो। तो बहुत सालों बाद जब हमारे राइटर जेमिनी स्टूडियोज छोड़ गए थे और उनके पास बहुत फ्री टाइम होता था लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे, तो कोई भी चीज जो डिस्काउंट पे मिलती थी वो उन्हें अट्रैक्ट करती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मेड्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। मेड्रास के माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के बाहर फुटपाथ पे एक बुक शॉप थी, वहां पर ब्रांड न्यू बुक्स मिल रही थी सिर्फ 50 पैसे ईच में। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एंड एलिगेंट पेपरबैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। तो वो सारी की सारी बुक्स एक ही बुक की कॉपीज थी और वो बुक कौन सी थी? कोई अमेरिकन बुक थी और उसका पेपरबैक बहुत ही सुंदर था, मीन्स जो उसका कवर था वो बहुत ही एलिगेंट था। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड। तो बुक का नाम क्या था? द गॉड दैट फेल्ड। तो ये कॉपीज इतनी सस्ती क्यों थी? ये लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन थी बिकॉज रशियन रेवोल्यूशन का 50th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था, इसी वजह से ये 50 पैसे में सेल हो रही थी। तो राइटर ने एक कॉपी खरीद दी और बुक का टाइटल क्या था? द गॉड दैट फेल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं द गॉड दैट फेल्ड। तो जो रशियन रेवोल्यूशन है इट एंडेड द रोमनोव डायनेस्टी एंड द इंपीरियल रूल इन रशिया। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन वॉज फॉर्म्ड अंडर द बोल्शेविक्स एंड दिस हैपेंड इन द ईयर 1917। तो इसका 50th एनिवर्सरी हुआ 1967 में, तब ये बुक की कॉपी सेल हो रही थी 50 पैसा ईच में टू सेलिब्रेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। सिक्स एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन सिक्स सेपरेट एसेज डिस्क्राइब्ड देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न। एमिनेंट मीन्स वेरी प्रोमिनेंट एंड फेमस, एंड मैन ऑफ लेटर्स मीन्स राइटर्स, सो फेमस राइटर्स। एंड वॉट इज कम्युनिज्म? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। कम्युनिज्म इज अ सिस्टम अंडर विच ऑल द एसेट्स आर पुट इन टू वन पूल एंड देन हुएवर नीड्स समथिंग कैन टेक दैट मच एंड हुएवर हैज एक्सेस कैन पुट बैक इन द पूल। नाउ वॉट डू वी मीन बाय डिसइल्यूजन? डिसइल्यूजन मीन्स to be disappointed on discovering that something is
not as good as one had thought it to be. ठीक है, तो जैसा कि हमने कुछ सोचा था कि कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हमने उसे प्रैक्टिस किया तो हमें लगता है कि नहीं, वो इतना अच्छा नहीं है, तो हमारा डिसिल्यूजन रिटर्न होगा. ठीक है, क्योंकि अब हम वापस आ जाएंगे, अब हमें पता लग गया, हम डिसअपॉइंटेड हैं कि वो चीज वैसी नहीं है जैसा हमने सोचा था. तो ये जो बुक है द गॉड दैट फेल्ड, इसमें छह बहुत ही फेमस राइटर्स ने छह अलग अलग एसेज लिखे थे और उसमें उन्होंने अपनी कम्युनिज्म की जर्नी के बारे में लिखा था, कैसे वो उन्होंने कम्युनिज्म प्रैक्टिस किया और वो डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि वो वैसा नहीं निकला जैसा उन्होंने सोचा था और फिर वो वापस आ गए कम्युनिज्म को छोड़कर. एंड्रे गिड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोल्स्टर, लुई फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर. सो दीज आर द सिक्स प्रोमिनेंट राइटर्स हु रोट देयर डिफरेंट एसेज, देयर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस विद कम्युनिज्म. स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस. स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज. ट्रिमेंडस मीन्स अ लॉट ऑफ. तो जैसे ही हमारे राइटर ने स्टीफन स्पेंडर का नाम पढ़ा, वो बुक उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई. स्टीफन स्पेंडर वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज. इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चेम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन. हेजी इज अनक्लियर. अचानक से राइटर को लगा कि उनके दिमाग में कोई बत्ती जल गई. उनके दिमाग में एक कोना ऐसा था जिसमें अंधेरा हुआ हुआ था और जैसे ही उन्होंने स्टीफन स्पेंडर का नाम सुना, उनके दिमाग में लाइट जग गई, इल्यूमिनेशन हो गई, लेकिन वो अनक्लियर थी. द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री. तो उनके दिमाग में जैसे ही लाइट जगी तो उन्हें क्या पता लगा कि स्टीफन स्पेंडर जो जेमिनी स्टूडियोज आए थे उसे देखकर, तब तो वो लोग बहुत ही ज्यादा मिस्टिफाइड थे कि पता नहीं वो यहां पर क्यों आया है, लेकिन अब वो एक मिस्ट्री, एक राज की बात नहीं थी. अब उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि स्टीफन स्पेंडर तब जेमिनी स्टूडियोज क्यों आए थे. द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड. तो यहां पर राइटर कह रहे हैं कि एसएस वासन को स्टीफन स्पेंडर की पोएट्री से कोई कंसर्न नहीं होगा, लेकिन जो स्टीफन स्पेंडर ने गॉड दैट फेल्ड किताब में अपना एसे लिखा है कम्युनिज्म के बारे में कि कम्युनिज्म ने कैसे उन्हें डिसअपॉइंट किया, वो चीज रिलेटेबल है क्योंकि जो एमआरए थी, मॉडर्न रीआर्ममेंट आर्मी थी, वो भी कम्युनिज्म के अगेंस्ट थी. तो ये सब लोग कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे, ये डिसअपॉइंटेड थे कम्युनिज्म से. तो अब हमारे राइटर को पता चल रहा है कि द गॉड दैट फेल्ड में जो स्टीफन स्पेंडर का आर्टिकल है वो एक ऐसी चीज थी जो रिलेट कर सकते हैं कि बॉस ने जेमिनी स्टूडियोज में स्टीफन स्पेंडर को क्यों बुलाया था अबाउट कम्युनिज्म. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. वी रेड द चैप्टर, आई एक्सप्लेन इट टू यू एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट. And if you have any doubts, please feel free to write in the comment section. I'll try and reply to you. With this is Ruchika signing off. Till we meet next, take care and goodbye.